दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की बड़ी खबर निकल के आ चुकी है, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जीरो बैलेंस से खाता है तो मिलेंगी पांच चीज़ें बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों जनधन योजना में अगर आपका जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो आपको ये पांच चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो दोस्तों कौन कौन सी हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपके पास जनधन योजना में जीरो बैलेंस से खाता है तभी आपको इन पाँच योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों कैसे मिलेगा और कौन सी ये पाँच योजना है जो जनधन खाते धारकों को मिल रही हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपका जनधन खाता है या नहीं। अगर जनधन खाता है तभी आपको ये पांच योजना यानी पांच चीजें फ्री में मिलेंगी। तो दोस्तों नंबर एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों 6,000 रुपए सालाना पाने के लिए किसान करें ये काम, इस नंबर पर करें शिकायत। तो दोस्तों अगर आपका जनधन खाता है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसके तहत खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास जनधन खाता खुला हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए ये लागू कर दिया गया है। सरकार बनते ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दायरा बढ़ा दिया गया है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू कर दी गई है। 14 फरवरी से ये 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब सिर्फ ये एक 12 करोड़ किसानों के लिए की थी क्योंकि इस पर 2 हेक्टर यानी 5 एकड़ तक जमीन होने की शर्त थी। लेकिन अब इस शर्त को मोदी सरकार ने हटा दिया है, अब सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर भी कुछ शर्तें लागू की हैं ताकि इसका लाभ असली किसानों तक पहुंच सके। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए आप इसके कैसे लाभ उठा सकते हैं जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखें और आप इस नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस नंबर से शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों नंबर दो, अगर आपका जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत आपको घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपये देगी मोदी सरकार। तो दोस्तों सरकार ने ऐसे शहरी लोगों को सहूलियत देते हुए योजना शुरू की है जिनके पास जमीन तो है लेकिन मकान बनाने के लिए धन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मोदी सरकार 2,50,000 रुपये दे रही है। तो दोस्तों उन्हें ये हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई है। इसकी खासियत यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3,00,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को इसके पात्र माना जाएगा, जबकि इससे पहले योजना में आय सीमा काफ़ी कम रहती थी। इसके चलते तमाम लोग योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। दोस्तों नंबर तीन, प्रधानमंत्री शौचालय योजना तभी मिलेगी जब आपका जनधन खाता होगा। और अगर आपका जनधन खाता है तो आपको प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत मिलेंगे 12,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में। कबाद में इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के कबायात एक फिल्म बनाई है जिसके तहत जिसके जरिए केंद्र सरकार विभिन्न प्रचार माध्यमों के जनता के सामने इस बात को ही अपील करेगी कि अपने घर में शौचालय बनाने और बतौर पुरोहित राशि 12,000 रुपये ले जा सकते हैं। दोस्तों शौचालय के लिए 12,000 रुपये देने के प्रचार मकसद ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस राशि को शौचालय की नाकाफी बताया गया। इसके लिए आप ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारी से शिकायत कर पा सकते हैं प्रधानमंत्री शौचालय योजना के लिए 12,000 रुपये। तो दोस्तों ये आप इसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं और
किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर और शौचालय के लिए आपको मिलेंगे 12,000 रुपए। तो दोस्तों नंबर 4 प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े खाते धारकों को बड़ी राहत दे रही है। जनधन योजना के तहत खोले गए खाते में केंद्र सरकार ने 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को 10,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा जनधन योजना के तहत अब हर परिवार की जगह 22 व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार फाइनेंस इंश्योरेंस वित्तीय समावेश के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब खातेधारकों को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। अब तक ये सुविधा 5,000 रुपये मिलती थी। जनधन योजना के तहत खातेधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय 2,000 रुपये निकालने के लिए किसी भी शर्त का पालन करना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी समय जाकर 2,000 रुपये निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो दोस्तों नंबर 5 अगर आप जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो आपको ये पांचवी चीज़ यानी पीएम मोदी सरकार ने लॉन्च की आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्तों अगर आपका जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा। इसमें आपको 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। तो दोस्तों आप अगर आप बीमार हैं तो आपको 5,00,000 रुपए का इलाज मिलेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने ये योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लॉन्च की थी। इस योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पर पहले चरण की आयुष्मान भारत योजना का लॉन्च की गई है। मोदी सरकार ने कहा है कि देश में 1.5 लाख गाँव में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुले जहां सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं बल्कि यहां पर हेल्थ चेकअप भी सुविधा भी मिलेगी। तो दोस्तों वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी है। इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष इलाज के लिए 5,00,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों को 50,00,000 लोगों को फायदा होने की संभावना है। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस स्कीम का स्थान लेगी। तो दोस्तों अगर आप बीमार हैं तो आप आयुष्मान भारत योजना में आवेदन कर पा सकते हैं 5,00,000 रुपए का इलाज। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवार यानी गरीब तबके के लोगों को मिल रहे हैं 5,00,000 रुपए का इलाज फ्री में अगर जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो जनधन योजना के तहत। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।